का जो हमारा तजुर्बा है साइंस का, उस तजुर्बे में हमको मादा इसके बारे में जानना है। अब ये मादा क्या है, मादा क्या है, जिस चीज से शय बनती है, कोई भी चीज हो उससे जो भी शय बनती है उसको मादा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मादा। क्या कहते हैं उसको? मादा। और इंग्लिश में उसके लिए लफ्ज है मैटर। क्या लफ्ज है उसके लिए? अब ये मादा जो है ना, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो तमाम चीजों को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितनी हिस्सों में तकसीम किया गया है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। कितने हिस्सों में? उन तीन चीजों के नाम है ठोस, माय और गैस। ठोस, माय और गैस। आवाज। अब ठोस किसको बोलेंगे, माय किसको बोलेंगे और गैस किसको बोलेंगे? देखो आप एक एक करके सिर्फ हमको ठोस के बारे में कोई तो भी बात बोलो। अच्छा, आप माय चीज के बारे में बताओ, माय चीज कौन कौन सी है? अच्छा, आप बोलो गैस के बारे में कौन कौन सी है? गैस, हाँ। अब हमारी जमात बड़ी होने की वजह से हमको गैसों के नाम भी मालूम है, और हमारे पास क्या होता है, साइंस के जो अजबाब है वो हम टीवी पर देखते हैं या वीडियो पर देखते हैं और पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ हम क्या करते हैं, साइंस की किट का इस्तेमाल भी करते हैं। उस किट की वजह से हमको एक सब चीजों के क्या है, नाम मालूम है। अब ये तीनों चीजें हो गई ठोस, माय और गैस। अब इनकी कुछ खसूसियतें होती है। क्या होती है इनकी चीज? खसूसियतें होती है, खासियतें होती है। क्या होती है उसकी? खासियतें। अब मेरी खासियत है कुछ, ईसा सर की खासियत है कुछ, मुर्तजा सर की खासियत है कुछ, सबकी अलग अलग खासियत है ना। हाँ, सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई अच्छापन है, कोई ना कोई बुरापन है या नहीं है। इसी तरीके से इन चीजों में भी कुछ खासियतें होती है जो कुदरत ने रखी हुई, जो किसने रखी हुई है? अब हम इन खसूसियतों को अपने तजुर्बे से, जो तजुर्बा नंबर हमारा 5 है, उससे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या खसूसियत है। अब सबसे पहले क्या चीज देखे थे आपने, क्या है ये असल में, क्या चीज है ये पत्थर। असल में ये चीज है पत्थर। क्या चीज है ये पत्थर। अब ये पत्थर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसमें रखेंगे? अब आप बोला इसकी शक्ल बदली नहीं। अच्छा ठीक है, आप इसको हाथ लगाकर देखो, बदली क्या? बदली प्लेट में रखे। अब इसको क्या करें? कटोरी में रखे। अब इसको क्या में रखे? कटोरी में रखे, प्याले में रखे, है ना। कटोरी को और क्या लफ्ज है? प्याले में। देखो अगर आप इसको देख सकते हो तो देखो इसकी शक्ल बदली क्या? नहीं। अंदर रखने के बाद आप हाथ लगाकर देखो उसकी शक्ल बदली क्या? नहीं। बदली क्या? नहीं। अब देखो इसको क्या में रखेंगे हम? हम क्या करेंगे उसको? ग्लास में रखेंगे। हम किस में रखेंगे उसको? ग्लास में। अब देखो इसकी शक्ल बदली क्या? अंदर देखो, क्योंकि क्या हुआ सर बोलेंगे अरे अंदर बदल रही होंगे, हमको कहां दिख रहा है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आप में से ही कुछ बच्चों को लेकर यहाँ पर बता रहे हैं कि इसकी शक्ल नहीं बदल रही। किस किस की शक्ल नहीं बदली? पत्थर की। पत्थर यानी क्या? पत्थर यानी क्या? इसकी क्या हुई, शक्ल नहीं बदली। अब हम दूसरी चीज हम देखने वाले, हमने एक देखे ठोस, दूसरी चीज क्या है? माय है ये। माय क्या है हमारा? क्या है ये? अच्छा पानी को प्लेट में डालो। कैसी शक्ल हुआ? ये सुफियान आया, कुछ तो भी जादू कराओ, प्लेट के वैसी शक्ल होगी पानी की, ऐसा हुआ क्या? अब देखेंगे इस पानी को क्या करेंगे हम, ये प्याले में डालेंगे। प्याले में डालो। अपन क्या करे, तुमने पानी की शक्ल बदल दिए नहीं, क्या हुआ फिर? कटोरी में डाले तो पानी की क्या हुई?
बदल गई, पानी में शक्ल क्या हुई इसकी, बदल गया। अब यही पानी को आप क्या करो, ग्लास में डालो। आप क्या हुई, तो माई की क्या खासियत आ गई कि माई क्या है, शक्ल बदल गई। शक्ल बदल गई इसका मतलब उसकी कोई शक्ल है खास है क्या? माई की कोई भी शक्ल खास नहीं है। माई की कोई भी शक्ल है क्या खास? माई की कोई भी खास शक्ल देखो, ठोस की शक्ल है खास है ठोस की। ये जादू करके भाग गया बच्चा, देखो जादूगर वाला। ठोस ठोस की कोई भी है शक्ल है, माई की शक्ल है क्या? हमने और एक चीज बनाए थे, क्या है ये? मोटा बच्चा कौन है, उसकी हवा थोड़ी सी इसमें भर दी। चलिए ठीक है, ये हमारे मुसद्दिद ने क्या किया, इसके अंदर हवा भर गया। हवा क्या है? गैस है। हवा क्या है? अभी अगर ये फुग्गे को और भरा जाए तो क्या होगा? जितनी इसकी लिमिट है उतना भरा जाएगा, उसके बाद क्या होगा वो? अब देखो इसमें ज्यादा है इसमें कम है, हवा ही है दोनों में, मगर हवा की इसमें कम शक्ल, हवा की इसमें मकदार कम है, इसमें अब देखो हवा गैस है, हवा क्या है? हवा क्या है? इस गैस को अगर हम ट्यूब में भरते हैं साइकिल के, कौन सी चीज में भरते हैं? ट्यूब में, तो ट्यूब की वैसी हो जाएगी है ना, होती है कि नहीं? साइकिल का ट्यूब छोटा, मोटरसाइकिल का उससे बड़ा, जीप का ऑटो का उससे बड़ा, जीप का उससे बड़ा, ट्रैक्टर का तो बहुत बड़ा है ना, और बड़े बड़े जो मशीनों की गाड़ियां आती है तो उसके और भी बड़े बड़े होते हैं टायर। अब बहुत सारे टायरों में हवा भरी जाती है, बहुत सारे टायरों में पानी भरा जाता है। आप सबको मालूम है कि ट्रैक्टर के बड़े पहिए में क्या रहता? पानी रहता। क्या रहता ट्रैक्टर के? पानी और गैस, यानी माय और गैस, ये शक्ल बदलते रहती है। इस वजह से इसको क्या किया जाता है, टायरों में इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? तो देखो आज हमने तीन चीजें सीखी। सबसे पहले हमने माध्यम की हालतें सीखी, कौन कौन सी है हालतें? ठोस, माय और ये तीन चीजें सीखी। अब इन तीन चीजों में हमने क्या किया, ठोस, माय और गैस में कौन कौन सी चीजों की मिसालें आती है वो भी देखे। ये ठोस में कौन कौन सी चीजें आती है आप बोलो? सोना, चांदी, पत्थर, पहाड़, लोहा, लकड़ी। अपने क्लास में की कुछ चीजें बोलो आप। टेबल, टीवी, दीवार, पंखा। अच्छा आप क्या करो, माय चीजों के नाम बोलो। माय से दावा। अच्छा आप क्या करो, कोई आप क्या करो, गैस चीजों के नाम बोलो। गैस का नाम बोलो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोलो बोलो, डरो मत। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हम कौन सी गैस छोड़ दे? कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं हमारे सांस के जरिए से छोड़ते हैं। ये गैसों के नाम है, और भी बहुत सारे गैसेस है। ये गैस है, ये गैस भी क्या होती है, अपनी शक्ल बदलती है। माय शक्ल बदलता है और गैस शक्ल बदलती है। ठोस अपनी शक्ल बदलती क्या? ये तीन चीजें थी आज के हमारे तजुर्बे में। आप तमाम बच्चों को समझ में आई क्या? नहीं आई? ये सब चीजें आपके समझ में आई। मैं हमारे सदर मुदरिस, हमारे ईसा सर, हमारे अखिल सर जो अभी कैमरे के पीछे है, उनके जरिए से आप तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये तजुर्बा हमको हमारे जिला परिषद के स्कूल उपलब्ध में सिखाया गया और करने का मौका मिला। किसने किया ये तजुर्बा? लोगों ने किया। आपके कुछ मखसूस बच्चों को हमने यहाँ बुलाया, नेक्स्ट टाइम पे दूसरे बच्चे रहेंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते को हम फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।